समझिए, गौर से समझ में क्या कह रही हूँ। अम्मी मुझे मैट्रिक में दाखिला चाहिए, बस मैंने बोल दिया है। तूने 9th तक पढ़ लिया ना, काफी है। लड़कियों को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्या उनका हक नहीं बनता है? मुझे तंग नहीं, इस वक्त मुझे तंग नहीं कर, चली जाए यहाँ से। अम्मी आप प्लीज मेरा एडमिशन करवा दें, वरना मेरा साल जाया हो जाएगा। तो फिर होने दे। अम्मी प्लीज। देखो बेटा, आजकल हमारे माली हालात ठीक नहीं है। मुझे तो अभी सुहेल और हैदर की परेशानी है। जब हमारे माली हालात ठीक हो जाएंगे तो तेरा भी दाखिला करा दूंगी। देखिए अम्मी, आज भी सर ने मुझे बुरी तरह डांटा है। प्लीज अम्मी मुझे फीस दें, और कल फीस के बगैर मैं बिल्कुल कॉलेज नहीं जाऊंगा। तूने प्रोफेसर को ये नहीं कहा कि आजकल हमारे अब्बू की नौकरी का कोई मसला पड़ा हुआ है, इस वजह से तनख्वाह रुकी हुई है? उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगी, तू जा। और हाँ, हैदर भाई ने भी 1,500 रुपए मांगे थे। 1,500? पागल हो गया है क्या वो? कारण का खजाना लेके बैठी हुई हूँ मैं यहाँ। या अल्लाह, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। अरे सौरभ बेगम, आज तो कमाल हो गया, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कमालात हो गए। क्या क्या हुआ है, मुझे भी तो बताएं। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है। अरे जो हमारे शहर में एक नया अस्पताल खुला है ना, बहुत बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल की सारी हर मेडिसिन जो है ना, उसकी सप्लाई का ऑर्डर मिल गया है हमें। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है। मैं जब वहाँ अस्पताल के जो डायरेक्टर है उनसे मिलने गया ना, बड़े बड़ा आदमी है, उसे बिठाया, चाय पिलाई, और कहने लगा कि साहब बाकायदा आपसे एक मुआहदा करते हैं, और इस मुआहदे के तहत सारी दवाएं आप ही सप्लाई करेंगे, और उसका 50% एडवांस वो भी मुझे दे देंगे। मेरी नौकरी बहाल हो गई है। सच? हाँ, मैं अपने मौला का किस मुंह से शुक्र करूं? सोलत वो गबन के छूटे बेमुनिया तमाम जो इल्जाम और मुकदमे थे ना, अदालत में आज उसका फैसला हो गया, और अदालत ने मुझे 22 अर्ब बरी कर दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं अपने परवरदिगार का किस मुंह से कैसे शुक्रिया अदा करूं। और सुनो, महकमे वालों ने सिर्फ ये नहीं कि मेरी नौकरी बहाल की, बल्कि उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है ना, उसके नतीजे में उन्होंने मेरा प्रमोशन करके मुझे चीफ अकाउंटेंट बना दिया है। अब बोलो तुम। अल्लाह, इतनी सारी खुशियां, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। वाकई तेरे घर में तेरे अंधेरे ने, मैं तो अपने बच्चों की तरफ से परेशान थी, तूने इतनी खुशियां दे, तेरा शुक्र है। वो तो मैं एक बात बताऊँ, भाभी साहब सही कहे, और मेरा दिल भी गवाही देता कि ये जगह और ये मकान जो है ना, ये हमारे लिए बड़े ही भगवान है। मैं तो बहुत रास आया, और साहब बात यह कि अब तो मैं ही मकान कभी नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने सही कहा था, जहाँ पाक हरवा होती है ना, वहाँ बरकत तो जरूर आती है। नमाज का वक्त हो गया, आजाद हो गई, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और दो लफ्ज़ शुक्राने की पढ़ूंगा। और तुम्हें काम करो, सुहेल वगैरह को भेज के ना मिठाई मंगाओ। अब महंगे में मिठाई दर्ज कर दिया, मैं फातिहा भी दूँगा। Thank you.
यार एक प्याली हमारे वास्ते भी दमंगा यार, चाय लेके आना। आए हाय चाचा जी, आप उसी मकान में रहते हैं जिसमें साया है? हाँ हाँ, क्यों? सुना है वहाँ पे भूत रहते हैं, आपको साया वाया नजर आया है? हाँ, देखना क्या मानी, अरे वो जो मेरा बहनोई है ना, वो खुद किसी भूत से कम नहीं है। क्या? हाँ। तो क्या वो भी सचमुच भूत है? कमबख्त एक आंख नहीं भाता मुझे। अच्छा, अरे वो कोई भूत से कम है, बहुत बड़ा जिन पाल रखा है उसने। अच्छा, जिन पाल रखा है? क्यों, क्या मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? इसका मतलब है आपने भी उन्हें देखा होगा। अरे देखा क्या मानी, कम वक्त से तो हाथ भी किए हैं। हाँ, फिर तो बड़ी मारम मारी हो गई होगी। अरे कहाँ मेरे बच्चों, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया है, वो कम वक्त तो मेरी जान लेने के दर पे था। तो फिर बाकी लोग कैसे रहते हैं उस घर में? बस रहते मेरे बहनोई ने जिनको काबू में कर रखा है। क्या वो कोई जादूगर है क्या? हाँ बस यही समझो। बड़ी अजीब बात है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। है ना अजीब बात? आहा, ले आए बेटे। तुम्हारे पास सौ का खुला है? नहीं, सौ का खुला नहीं। नहीं है? नहीं। तो बढ़ जाओ। तुम लोगों के पास सौ का चेंज है? जी जी, देना बेटा। हाँ शाबाश, मैं तुम्हें अभी क्या हूँ? वो यार सौ का नोट शायद घर पर रह गया। मैं ऐसा करता हूँ कि लौटते मैं तुम्हें सौ रुपए दे देता हूँ, ठीक है? अभी आ। यार ये बंदा सौ रुपए का नोट वापस करेगा नहीं करेगा? करेगा यार, ऐसे वैसा नहीं लगता है। यार वैसे बातें तो बड़ी अच्छी बता के गया है। अरे गेम लेते बातें बड़ी दिलचस्प करता है।